नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश चौड़न बाकुड़े में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। सबसे पहले देखिए देश की इन बेटियों का जोश, देखिए इन बेटियों का जज्बा, देखिए इन बेटियों की वीरता, देखिए इन बेटियों की शौर्यता। ये हैं लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी, जो पायलट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से समुद्री टोही अभियानों को अंजाम देंगी। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने अपने इतिहास की किताब में एक और पन्ना जोड़ते हुए पहली बार तीन महिला पायलटों का एक बैच तैयार किया है। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि तीनों महिला पायलट 27वें डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स में भाग लेने वाले 6 पायलटों में शामिल थीं। इन्होंने गुरुवार को INS गरुड़ पर आयोजित पासिंग आउट कार्यक्रम में पूरी तरह से परिचालन वाले समुद्री टोही पायलट के तौर पर स्नातक की डिग्री हासिल की। जय हिंद, आई एम लेफ्टिनेंट दिव्या एंड आई एम फ्रॉम मालवा नगर, न्यू दिल्ली। वी आर द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट्स ऑफ द इंडियन नेवी एंड दिस डे मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ आवर थर्ड स्टेज ऑफ फ्लाइंग, दैट इज द डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स। We will soon be joining the frontline squadrons of the Indian Navy. Jai Hind, I'm Lieutenant Shivangi and I am from Muzaffarpur, Bihar. Today we have completed our Dornier Operation Flying Training and thereafter we'll be joining the frontline squadrons and undertake various missions undertaken by Navy, such as search and rescue, maritime reconnaissance, armament roles, para drops and many other profiles. Jai Hind, I'm Lieutenant Shivangi Swarup. I am from Tilhar, Uttar Pradesh. I still remember that feeling I had when I sat in an aircraft's cockpit for the first time and when the aircraft took off and I had the controls. Undescribable. If you want to know what that feels like, do join me after this. तीनों पायलटों में लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा नई दिल्ली के मालवीय नगर से हैं, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप उत्तर प्रदेश के तिलहर से हैं और लेफ्टिनेंट शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने आंशिक रूप से वायुसेना के साथ और DOFT कोर्स से पहले आंशिक रूप से नौसेना के साथ उड़ान की ट्रेनिंग ली थी। प्रवक्ता ने बताया कि इनमें से लेफ्टिनेंट शिवांगी ने सबसे पहले नौसेना पायलट के लिए योग्यता हासिल की थी। इसके 15 दिन बाद दोनों अधिकारी भी पायलट बन गई। इसके बाद इनका एक बैच बनाया गया और 27वें DOFT कोर्स में शामिल 6 पायलटों में इन्हें शामिल किया गया। बता दें कि इस महीने में शुरुआत में ही ये घोषणा की गई थी कि इंडियन एयरफोर्स की पहली 3 महिला फाइटर पायलट भी इस साल के अंत तक अपना ट्रेनिंग पूरा कर लेंगी और 3 महिला पायलटों के दूसरे बैच को अब इस भूमिका के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।